नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से आप अपने YouTube चैनल का URL मतलब कस्टम URL चेंज कर सकते हैं। मतलब कस्टम ये URL चैनल ऐसा जो आप ये एड्रेस बार पर देख रहे हैं youtube.com/channel/ और ये बहुत सारे कोडिंग नंबर दिए हुए हैं। तो यदि आप किसी को बताना चाहें अपना चैनल का URL तो डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि ये इस प्रकार से कोडिंग नंबर दिए हुए हैं कि आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप जो नाम आप चाहें वो आप दे सकते हैं। तो किस प्रकार से देना है मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको जाना है अपने चैनल पर, जैसे मैं अपने चैनल पर हूँ। फिर यहाँ आप अपनी इमेज पर क्लिक कीजिएगा ये ऊपर कोने में। फिर यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो के बाजू में एक यूट्यूब सेटिंग की गोला गोला सेटिंग बनी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग खुलेगी। और इस सेटिंग के बाद आपका जो ईमेल अकाउंट का आईडी दिया हुआ है ये, उसके नीचे आप एडवांस लिखा हुआ देखेंगे तो उस पर क्लिक करना है आपको। और उस पर क्लिक करने के बाद ये आपको मैसेज आ रहा है कि आप कस्टम URL के लिए एलिजिबल हैं, तो क्लेम इट हियर। और यदि आप उससे संबंधित कुछ जानकारी पाना चाहें तो यहाँ लर्न मोर पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है तो और जानकारी यहाँ से पा सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम, यदि आप अपना URL चेंज करना चाहते हैं तो आपके 100 या 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए, और आपका जो अकाउंट है वो 30 दिन पहले मतलब 30 दिन पुराना होना चाहिए आपका चैनल। और आपके जो चैनल है उस पर आइकन होना चाहिए और बैनर आर्ट भी होना चाहिए, है ना। तो उसके ये सब होने के बाद आपको क्या करना है कि ये फर्स्ट लाइन में जो लिखा है क्लाइमेट हेयर, उस पर हेयर पर क्लिक करना है जो लिंक दिया हुआ है, तो मैं कर देता हूँ। और अब यहाँ पर पहले से दिया हुआ है youtube.com अनंत पटेल ऐसा। यदि मैं इस पर आई हैव रीड एंड एग्री टू कस्टम URL पर जो एग्री ये लिस्ट दी हुई है, इस पर टिक करके मैं चेंज URL करता हूँ, तो नीचे ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है कि ऐसा नाम किसी और ने यूज कर लिया है, तो इस पर आपको कुछ और जोड़ना होगा। तो मैं यहाँ पर अनंत पटेल के बाद एस लगाकर चैनल लिख देता हूँ। ठीक है, चैनल लिखने के बाद आपको यहीं पर क्लिक करना है, ये जो एग्रीमेंट है आपका उस पर क्लिक करेंगे और सेव चेंज URL पर क्लिक करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना कि आप सिर्फ एक ही बार URL चेंज कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं कर सकते चेंज। तो यदि आपके दिमाग पर ये है तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं URL। और फिर इसके बाद जैसा ही आप चेंज URL पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू चेंज योर पब्लिक URL, मतलब क्या आप कंफर्म है कि आप इस प्रकार का URL पाना चाहते हैं, है ना। तो यदि आप कंफर्म है तो कंफर्म चॉइस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो कंफर्म चॉइस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये मैसेज वर्किंग का आ रहा है और ये फिर मैसेज आया दिस चैनल डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर मैं यहाँ माय चैनल पर जाऊंगा। इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा देर कर रहा है। और ये चैनल आ गया है, इसका मतलब मेरे चैनल का URL चेंज हो चुका है। तो अब मैं उसको डालकर देखूंगा URL कैसा चेंज हुआ है। यहाँ पर मैं डालता हूँ youtube.com के बाद नंद पटेल्स चैनल, और फिर यहाँ एंटर पर क्लिक करते हैं। तो देखिए मेरा चैनल आ गया है। तो इस प्रकार आप भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।